वर्तमान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों के जो केंद्र चल रहे हैं वो 196 आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं और इनमें 62,291 इतने लोग अभी इसका लाभ उठा पा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं उनकी संख्या कम हो रही है। अभी आज की तिथि में 989 हमारे पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप्स जो स्कूल में चल रहे हैं और उनमें 8,233 इतने लोग अभी तक आवासित हैं। जो कॉल्स और मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जो विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए हैं तो उनकी टोटल संख्या 86,000 से भी थोड़ी ज़्यादा हुई है, 86,157। और जो लोग टोटल फंसे हुए हैं इन कॉल्स और मैसेजेस के द्वारा उनकी कुल संख्या 11,93,000 लगभग है। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हम लोगों के यहाँ जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता दी जा रही है मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। अभी तक टोटल 17,89,000 इतने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत करा लिया है और जो ट्रांसफ़र जिनको राशि हो चुकी है जितने लोगों को वो लोग 12,06,000 हैं। तो अभी तक 12,06,000 को उनके अकाउंट में इस राशि का ट्रांसफ़र 1,000 रुपये का कर दिया गया है और टोटल 17,89,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। जो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से राहत कैंप चलाए जा रहे हैं 9 राज्यों में 12 शहरों में उनकी कैंप्स की संख्या 55 है और उनमें अभी तक क्यूमुलेटिव रूप से कुल 9,48,755 यानी लगभग 9.5 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पीडीएस में कुछ समस्या हो रही है उसको हम लोग कैसे निपटेंगे। बेसिकली दो उसके एंगल हैं, एक तो काफ़ी जो जांच की जा रही है मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई समस्या नहीं है और कहीं से ये सूचना आई थी जो ग्रुप पे डाला गया था प्रश्न की तो उस तरह का हम लोगों ने विभाग से वेरीफाई किया है। अभी वहाँ पर कोई इस तरह की सूचना नहीं दी गई है तो अगर कोई सूचना का सोर्स पता चलेगा हम लोगों को तो हम लोग वेरीफाई करके और फिर आपको बता पाएंगे। इसके अलावा लगातार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है। यहाँ से एक निर्णय और लिया गया है कल वो जो मैं बताऊँगा कि अर्बन एरियाज़ में भी जिनको राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी सर्वे करने का और उनको भी मदद पहुंचाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए नगर विकास विभाग समुचित कार्रवाई कर रहा है। लॉकडाउन को कवर करते हुए एक दूरदर्शन के स्टिंगर के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया तो इस संबंध में जांच की गई और उसमें जांच के पश्चात जो उसमें संलिप्त थे 2 सिपाही उनको निलंबित किया गया। ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। इसके अतिरिक्त एक हम लोगों ने और एनालिसिस किया है वो हो सकता है कि आप लोगों के इंटरेस्ट का हो क्योंकि बीच बीच में जो है कई बार हमसे ये प्रश्न पूछा भी गया बाबा कि लॉकडाउन के दौरान क्या अपराध या अन्य घटनाओं में गिरावट आई है या कैसा है तो हम लोगों ने एनालिसिस किया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का आंकड़ा है 2020 का, इसकी तुलना हमने की है अप्रैल 2019 के 15 दिन के आंकड़ों से तो उसमें जो पाया गया है वो ये कि कुल संज्ञेय अपराध की घटनाओं में 26% की कमी देखी गई है और अगर गंभीर अपराध शीर्षों में हम जाएं तो हत्या की घटनाओं में 26% की कमी है, डकैती में 80% की कमी है, लूट की घटनाओं में 72% की कमी है, गृह भेदन में 44% की कमी और चोरी में 68% की कमी है, महिला उत्पीड़न संबंधी घटनाओं में 66% की कमी देखी गई, बलात्कार की घटनाओं में 56% की कमी है, अपहरण की घटनाओं में 81% की कमी है और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से संबंधित उत्पीड़न की घटनाओं में 17% कमी है
और सड़क दुर्घटनाओं में 66% की कमी देखी गई है। ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2020 का आंकड़े की तुलना है अप्रैल 2019 के 15 दिन के आंकड़े से। तो ये हम इससे संबंधित जो आंकड़ा है वो हम उसमें भेज देंगे, तो जो ब्रीफ बनता है उसमें अपने हिसाब से उसको इंक्लूड कर लेंगे। हमारी तरफ से बस इतना ही आज।